ये अपनी लड़ाई के अंदर इस प्रदेश को जनता को भगवान के भरोसे के ऊपर छोड़ दिया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है और सचिन पायलट उसके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब देश के सैनिकों को छूट दे दी है कि कोई सामने आए उस समय कोई गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है। जितने आए मेरी बहनों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन गांवों में देना प्रारंभ किया, वरना शहरों के अंदर भी लाइन लगती थी, एक एक महीना तक गैस का कनेक्शन हमें नहीं मिलता था। जन आक्रोश यात्रा जो कि आज यात्रा का यहां पर हमारे यहां पर सम्मेलन के रूप में एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, मैं इस समय आप सबको ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो यात्रा निकली, ये यात्रा विभिन्न गांवों के अंदर से होते हुए जब गुजर रही थी तो उस समय जनता में एक इस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा था, और आज मैं यहाँ पर सभा के अंदर भी आप सबके अंदर एक गुस्सा देख रहा हूं कि सरकार के प्रति किस प्रकार का गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों नहीं। ये राजस्थान में जो सरकार है, इसी सरकार ने इस देश के अंदर 60-65 साल तक शासन किया। जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, इन्होंने इस देश के अंदर कई बार इन्होंने शासन किया। आजादी के बाद लगातार वर्षों तक ये इस देश के ऊपर शासन करते रहे, लेकिन भी फिर भी इन्होंने मेरे देश के अंदर विकास के नाम पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया जिसकी वजह से मेरे देश को गरीब कहा गया। आप और हम सब जानते हैं विश्व के अन्य प्रदेश देशों के अंदर हिंदुस्तान की एक ऐसी छवि बनी हुई थी कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है, ये हम सब भलीभांति सुनते थे, हमारे मन के अंदर आग लगती थी कि हमारे देश को गरीब क्यों कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि हमारा देश गरीब है या गरीब था, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले देखते थे कि गांव के अंदर विकास की नाम की अगर कोई चीज होती थी तो सिर्फ हमें कुछ छोटी मोटी कुछ सड़कें देखने को कहीं पर मिलती थी या कुछ छोटा मोटा स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता था, लेकिन वो भी हुआ उस समय में जब प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गांव के अंदर विकास की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही बनी, किसानों के लिए किसान सम्मान, किसानों के लिए केसीसी प्रारंभ की गई, किसानों के लिए उस समय फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, जिससे किसान को और आम व्यक्ति को लगने लगा कि अब हमारे कोई सुनने वाला इस देश के अंदर, वरना हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से गरीबों की जो परिभाषा बनी हुई थी गरीब देश, और होता ये था कि विदेश से कोई व्यक्ति आता था तो गांवों के अंदर फोटो खींचने जाता था कच्चे मकान का, उसके आगे 4-5 हमारी महिलाएं पुरुष खड़े रहते थे, उनके फोटो खींच के इंटरनेशनल स्तर पर मैगजीन में फोटो छापा करते थे, फिर कहते थे देखिए हिंदुस्तान में गरीबी। एक मेरी बहन सिर पर घड़ा लेकर पानी लेकर आ रही है दूर से, उसके घड़े के ऊपर घड़े रखे हुए 3-4 वो पानी लेकर आती है, उसका फोटो ले जाकर फिर वो किसी मैगजीन में छापते थे। गांव के अंदर रोटी बनाती हुई मेरी बहन आंखों के धुएं के अंदर, और वो धुएं के अंदर रोटी बनाती हुई उसका चित्र चूल्हे का उसका फोटो खींच के फिर किसी मैगजीन में फॉरेनर छापते थे, फिर कहते देखिए हिंदुस्तान के अंदर गरीबी। शौच जाते हुए देखते थे हम सभी इस तरह का, जब विश्व के पटल के ऊपर हम देखते थे कि हिंदुस्तान को गरीबी की रेखा से नीचे जिस तरह से गरीब को बताया गया, और ऐसा जिस तरह से लग रहा था कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे समय के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपने जब विश्वास दिया तो उसके बाद में आपने देखा होगा अब जो भी योजना बनती है वो उस अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनती है, किसी प्रकार के भेदभाव के रहित, कि हमारे देश को अब विकसित राष्ट्र बनाना है, विकासशील की भाषा है उसको हमें समाप्त करना है। हमारे देश को विकासशील कहते कहते हम वर्षों से सुनते आए, लेकिन इस बार लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब वो समय आया है कि हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक हमारे देश को विश्व के जो विकसित राष्ट्र है अमेरिका इंग्लैंड से भी आगे जाए,
उस दिशा के अंदर काम को ले जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी दिन से इस काम को प्रारंभ कर दिया था और इसी वजह से गांवों के अंदर शौचालय बनना प्रारंभ हुए, मेरी बहनों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन गांवों में देना प्रारंभ किया, वरना शहरों के अंदर भी लाइन लगती थी, एक एक महीना तक गैस का कनेक्शन हमें नहीं मिलता था। गांवों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के पक्के मकान बनाना प्रारंभ किया, ताकि मेरे गांव का व्यक्ति गरीबी के वो पक्के मकान के सपने को लेकर इस दुनिया में से जाए। कई लोग तो ऐसे थे जो पक्का मकान का सपना देखते देखते अपनी जिंदगी से चले जाते, लेकिन उनका पक्का मकान का सपना अधूरा का अधूरा रह जाता था। उनके सपने को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया प्रधानमंत्री आवास के तहत। और इस तरह से देश के अंदर लगा कि वास्तव में अब काम होना प्रारंभ हुआ। लेकिन अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है हमारी, किसी प्रकार का हमें कोई खतरा भी नहीं है देश की सीमा के ऊपर। पहले तो यहां पर जिस तरह से बातें की अभी कह रहे थे पूर्व में, आज हमारे देश के सैनिकों को भी हम पर गर्व होता है, देश के सैनिकों पर हम सबको गर्व इस बात का है। पहले हमारे देश के सैनिक अगर कोई सामने से गोली आती थी तो उसके लिए वो किस तरह से उनको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई आतंकवादी हमला करता है या कोई सैनिक अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता तो दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब देश के सैनिकों को छूट दे दी है कि कोई सामने आए उस समय कोई गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, जितने आए उतने उड़ा दो। इस तरह से देश के सैनिकों को जब छूट मिली तो आज देश के बॉर्डर के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सामने से कभी कोई सीज फायर को तोड़ने की मजाल कर सके। पाकिस्तान का देखा होगा, पहले तो कोई भी सैनिक अगर आता था, अगर भूल से हिंदुस्तान के अंदर चला जाता तो वापस आता, तो उस समय वापस जब आता था तो कोई गारंटी नहीं कि उसका सिर वापस आएगा, उसके हाथ काट लिए जाते थे, उसकी आंखें निकाल दी जाती थी, उसके कान काट लिए जाते थे, इस तरह से गर्दन काट कर सैनिकों को सुपुर्द करते थे। लेकिन अब भारत बदल रहा है, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया जाता है, एयर स्ट्राइक करके दिया जाता है, और भूल से अगर अभिनंदन भी अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस जाता है तो उसके सम्मान पूर्वक हिंदुस्तान को वापस लौटाना पड़ता है। यह है बदलता हुआ हिंदुस्तान, इसमें एक तो देश आगे बढ़ चला है, भारत विश्वगुरु बनता जा रहा है। लेकिन जब मैं राजस्थान की ओर देखता हूं, पर जब यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि राजस्थान का जिस गति के साथ विकास हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर, वसुंधरा जी के सरकार के अंदर काम हो रहा था, गांव में गौरव पथ बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, कॉलेज बन रही थी गांव के अंदर, इस तरह से एक प्रदेश के अंदर विकास हो रहा था, देश उस समय प्रदेश आगे चल पड़ा था। लेकिन इन लोगों के हाथों में आने के बाद ये अपनी लड़ाई के अंदर इस प्रदेश को, जनता को भगवान के भरोसे के ऊपर छोड़ दिया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है और सचिन पायलट उसके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन दोनों की लड़ाई के अंदर इस राजस्थान को अंधकार में डालने का काम कर दिया, एक जंगल राज बना दिया, और इस जंगल राज को समाप्त करने का काम, इस अहंकार जो आपने भरी है, आपने जो जन आक्रोश रैली निकाली है, ये जो यात्रा निकली है उसके अंदर आपने जो समर्थन दिया है, इसी से आने वाले समय में इस आक्रोश को बनाए रखना है और हमेशा हमेशा के लिए इस कांग्रेस से इस प्रदेश को मुक्त करना है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो चल रहा है इसको हमेशा के लिए समाप्त करने का यहाँ से संकल्प लेकर आप जाएं और फिर स्थायी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।